एन माइनस वन डी एक्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब इसके कहाँ पे ये कन्वर्जेंट होगा या कहाँ पे अपसारी होगा ये चेक करनी है, और वैसे ही कहाँ पे डाइवर्जेंट होगा या अपसारी होगा ये भी चेक करनी है। तो चेक करने के लिए हम लोग कुछ कुछ कंडीशन देखने वाले हैं। फर्स्ट कंडीशन ये है कि यदि आप क्या करते हैं, एम ग्रेटर देन आर इक्वल वन लेके चलते हैं और एन ग्रेटर देन आर इक्वल वन लेके चलते हैं तो क्या होगा। तो फर्स्ट केस जो है वो हम लेते हैं एम ग्रेटर देन आर इक्वल वन और एन ग्रेटर देन आर इक्वल वन। तो थोड़ा सा समझिए, इसी में केवल एम की जो वैल्यू है वो वन रख के चेक करते हैं तो क्या होता। यदि वन रखता मैं यहाँ पे तो ये बन जाता जीरो, तो एक्स टू द पावर में जीरो मतलब वन आएगा वैल्यू, और यहाँ पे यदि वन रखता हूँ तो ये भी जीरो हो जाएगा पावर, तो जीरो पावर की वजह से ये भी वन हो जाएगा। ठीक है, तो हर केस में आपको एम और एन की वैल्यू यदि मैं वन रखता हूँ तो उस केस में ये मेरे को क्या मिलेगा, वन मिलेगा, और वन मिल रहा है तो जीरो से वन डी एक्स बस मिला। ठीक है, तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, उचित समाकल हो गया है, फाइनाइट लिमिट दिया गया है और बाउंडेड मिल रहा है, मतलब फाइनाइट वैल्यू मिल रहा है जब लिमिट रख रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, बाउंडेड वैल्यू वन वन ही मिलेगा। तो उस केस में ये क्या है, उचित समाकल बन रहा है इन दोनों केस में। यदि आप सपोज एम की वैल्यू को आप क्या रखते हैं, दो रखते हैं, एक से ज्यादा रखते हैं, तो दो रखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, टू माइनस वन दैट इज एक्स आएगा, है ना, और वन माइनस एक्स ये भी मान लेते हैं, यहाँ पे टू रखते हैं तो टू माइनस वन दैट इज वन आएगा। अब एक्स से वैल्यू को पुट करोगे तो एक्स, यदि एक्स टेंस टू जीरो रखते हो तो जीरो जीरो ही आएगा, और एक्स टेंस टू वन रखते हो तो भी जीरो आएगा क्योंकि वन माइनस वन जीरो हो जाएगा। तो दोनों ही केस में क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो दो केस में समझो, एम ग्रेटर देन एम की वैल्यू यदि मैं दो लिखता हूँ और एन की वैल्यू दो लिखता हूँ तो उस केस में जो लिमिट होगा दोनों ही एक्स टेंस टू जीरो पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी जीरो, और लिमिट एक्स टेंस टू वन पे भी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो दोनों केस में जीरो जीरो आ रहा है, मतलब फाइनाइट वैल्यू आ रहा है, दोनों केस में क्या आ रहा है, फाइनाइट वैल्यू आ रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ बॉन्डेड है ये, है ना, और केवल इक्वल टू यदि हम रखते हैं वन रखते हैं, एन इज इक्वल टू भी वन रखते हैं, तो उस केस में हमको जो लिमिट निकालने की कोई जरूरत तो वैसे नहीं पड़ना चाहिए, वन वन आ रहा है, और लिमिट यदि मैं पुट करता हूँ तो एक्स टेंस टू जीरो करने पे वैसे भी एफ ऑफ एक्स का मान वन है क्योंकि ये जीरो जीरो की वजह से वन आएगा, तो ये वैल्यू वन ही आएगा दोनों ही केस में, लिमिट एक्स टेंस टू वन पर भी ये वन आएगा। तो फाइनाइट वैल्यू यहाँ भी आ रहा है, फाइनाइट वैल्यू यहाँ भी आ रहा है, तो दोनों ही केस में ये जो इंटीग्रल है वो क्या बन रहा है, उचित समाकल बन रहा है, प्रॉपर इंटीग्रल बन रहा है। ठीक है, उचित समाकल है या फिर बोला जाए ये प्रॉपर इंटीग्रल है। तो प्रॉपर इंटीग्रल बनता है तो जितने भी प्रत्येक प्रॉपर इंटीग्रल जो होते हैं, है ना, वो हमेशा क्या रहते हैं, कन्वर्जेंट होते हैं। तो ये एक प्रकार का क्या होगा, अभिसारी होगा या कन्वर्जेंट होगा। आई क्या है, अभिसारी है। कहाँ पे है भाई, क्योंकि एम एम ग्रेटर देन आर इक्वल वन पे और एन ग्रेटर देन आर इक्वल वन पे ये कन्वर्जेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरा, ये तो ग्रेटर देन पे तो समझ में आ गया, अब लेस देन हो तो क्या होगा। तो एम की वैल्यू भी लेस देन रखनी है और एन की भी वैल्यू लेस देन रखनी है। तो बुक में आपको ये ग्रेटर देन दिया होगा तो उसको सुधार लेना है आपको, एम लेस देन वन रखनी है और एन लेस देन वन रखनी है। दोनों यदि वन लेस देन रखते हैं तब हमको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देंगे, देखिए आई की जो वैल्यू होगी उस पे हम लिखेंगे जीरो से वन, और ये जो पावर है एम की वैल्यू यदि वन से छोटी होती है तो एम की वैल्यू वन से छोटी मतलब ये वाला, जैसे मैं एम की वैल्यू को हाफ रखता हूँ तो माइनस हाफ आएगा, मतलब नेगेटिव आएगा ये पावर जो होगा, तो ये पावर नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव वाले को हम नीचे लाते हैं। तो जब भी लिखेंगे तो हम नीचे में ला के लिखेंगे, इसको नेगेटिव आ रहा है इसलिए, तो एक्स पावर में वन माइनस एम लिखेंगे और इसको भी नीचे ला के लिखेंगे वन माइनस एक्स, और उसके पावर में हम लिख लेते हैं वन माइनस एम डी एक्स। ऐसा क्यों लिखा हूँ, क्योंकि ये पावर पॉजिटिव बन जाएगा, ये पावर पॉजिटिव बन जाएगा क्योंकि वन बड़ा है ना, वन बड़ा हो जाएगा एम से। तो आप देखेंगे इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, वन लेस देन
और ये m, m को इधर ट्रांसफर कर दो तो जीरो हो जाएगा, जीरो लेस देन वन माइनस m, और यहाँ पे भी लिखूंगा जीरो लेस देन वन माइनस n। तो पॉजिटिव पावर के रूप में मैंने यहाँ पे जमा दिया है। पॉजिटिव पावर जैसे कि मैं m की वैल्यू वन बाई टू रखता हूँ, n की वैल्यू वन बाई टू रखता हूँ, तो यहाँ पे हाफ पावर है, यहाँ पे भी हाफ पावर है, आधा आधा पावर यहाँ पे है, ऐसा समझिएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लिमिट रखने का प्रयास करेंगे। लिमिट देखिए जैसे रखते हैं कि x इज इक्वल टू जीरो रखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू जीरो रखते हैं, तो समझिएगा केवल रफ टाइप का m इज इक्वल टू वन बाई टू होता तो उस केस में, और n इज इक्वल टू वन बाई टू होता तो ये जो हमारा इंटीग्रल है कुछ इस तरीके से दिखाई देता कि x के पावर में वन बाई टू वन माइनस x के पावर में वन बाई टू dx। तो इस इंटीग्रल के बारे में थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। जब हम यहाँ लिमिट पुट करते x टेंड्स टू जीरो पुट करते तो जीरो पे ये इनफाइनाइट आता क्योंकि वन बाई जीरो होता, और वन बाई जीरो की वजह से ये जो भी हमारा एफ ऑफ एक्स है इसमें यदि मैं रखता हूँ तो ये मेरे को मिलेगा इनफाइनाइट। वैसे ही यदि मैं लिमिट पुट करता हूँ, x टेंड्स टू वन पुट करता हूँ तो भी मेरे को क्या मिलेगा, ये इनफाइनाइट वैल्यू ही मिलेगा। ठीक है, तो दोनों ही केस में ये जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू जीरो, हाँ तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे ये अनबाउंडेड होगा और एक्स इज इक्वल टू वन पे भी ये अनबाउंडेड हो रहा है ना। यहाँ पे वैल्यू पुट किए, यहाँ पे वैल्यू पुट किए तो अनबाउंडेड मिला। जब भी अनबाउंडेड होता है तभी हम प्रयास करते हैं म्यूटेशन लगाने का। ठीक है, तो अनबाउंडेड हुआ तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड हो गया, है ना, द्वितीय प्रकार का विषम समाकल हो गया। इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे उचित समाकल के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे म्यू टेस्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो म्यू टेस्ट अप्लाई करते हैं उसके बाद सॉल्यूशन हम देखेंगे। तो दो तरीके से लगेगा, x इज इक्वल टू जीरो पे भी उचित समाकल जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है उसका क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा, और आप क्या करेंगे दूसरा x इज इक्वल टू वन पे सॉल्यूशन चेक करेंगे। तो दो तरीके से सॉल्यूशन चेक करने हैं। चलिए पहले लिखते हैं हम लोग x इज इक्वल टू जीरो पर क्या होगा उसके लिए। ठीक है, तो x इज इक्वल टू जीरो पर अभिसरण के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि इंटीग्रल जो है वो जीरो से वन, और x के पावर में m माइनस वन, और वन माइनस x टू द पावर n माइनस वन है यहाँ पे। तो इसको हमने थोड़ा जमाया है कुछ इस तरीके से 0 टू 1 dx, क्योंकि यहाँ पे हमने लिया है m लेस देन 1 n लेस देन 1, तो इसलिए नीचे में हम इसको लिख रहे हैं कि x के पावर में 1 माइनस है और 1 माइनस x टू द पावर 1 माइनस है dx। तो इस फॉर्म से आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो इसको ध्यान देना है दो भागों में तोड़िए इसको, दो भागों में तोड़ेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 0 से a dx, और यहाँ लिखेंगे x पावर में 1 माइनस m और 1 माइनस x टू द पावर में 1 माइनस m, फिर लिखेंगे a से लेके 1 तक का, यहाँ पे लिखेंगे dx x टू द पावर में 1 माइनस m, या चाहो जैसा है वैसे रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वैसे भी इसमें आप इसी तरीके से लिख सकते हो, ठीक है, 1 माइनस x टू द पावर n माइनस 1, यहाँ भी आप सेम लिख सकते हैं x टू द पावर में m माइनस 1, 1 माइनस x टू द पावर में n माइनस 1 dx, क्योंकि वैसे भी ये नेगेटिव है ऐसा समझ में आएगा इसकी वजह से। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं देखिए ध्यान देंगे, जैसे हम x बराबर 0 पे चेक करेंगे तो यहाँ पे x बराबर 0 हम नहीं रह सकते क्योंकि वैल्यू जो है वो a से लेके 1 तक का जाएगा, 0 वाला नहीं आएगा क्योंकि a इज अ ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो a का मान 0 से बड़ा है तो हम इसको बस चेक करेंगे कि x इज इक्वल टू 0 पे ये क्या है, इसको कैसे सॉल्व करना है उसके लिए। तो हम इस पे चेक नहीं करने वाले, इसको चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो हम इसका इसको चेक करने के लिए हम लेते हैं म्यू बराबर, आपको सॉल्व करना म्यू टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। तो म्यू लिखेंगे x टेंड्स टू 0 लिखेंगे और x टू द पावर में म्यू एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, तो एफ ऑफ एक्स को इसको लेके चलना है। फिर यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स टू द पावर में यहाँ पे आएगा म्यू और एफ ऑफ एक्स की जगह में इस पूरे को लिखिए, तो एम माइनस और ये होगा एक्स पावर में एन माइनस वन, और यहाँ से हो जाएगा ऐसा वैल्यू। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 0 यहाँ पे मैं रख सकता हूँ, तो यदि मैं यहाँ पे रखता हूँ तो कोई
स्क्वायर करने पड़ेगा, यहाँ पे रखूंगा तो ये सीधा वन आएगा और वन का पावर में क्या हो जाएगा एन माइनस वन हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा वन का पावर एन माइनस वन दैट इज वन ही मिलेगा। अब इस पे यदि वैल्यू पुट करता हूँ तो ये जीरो मिल सकता है, जीरो मतलब यही डिफाइन करेगा कि जीरो मिलेगा कि इनफाइनाइट मिलेगा, यहाँ पे तो वन ही मिलेगा। तो इसके पावर को आपको एड करनी है, तो लिमिट आप लिखेंगे x टेंड्स टू जीरो x पावर में म्यू प्लस एम माइनस वन और वन माइनस x टू द पावर एन माइनस वन। तो इसके पावर को इसके साथ एड नहीं करनी है, आपको केवल इसके पावर को एक साथ लिखना है। ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये डिफाइन करेगा कि ये वैल्यू निगेटिव आ जाएगा तो इनफाइनाइट बना सकता है, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो ये जो होगा जीरो बन सकता है। तो इसलिए हम इसकी वैल्यू पे ध्यान देंगे। तो यहां से हम पहले क्या करेंगे, म्यू प्लस एम माइनस वन को जीरो के बराबर रखेंगे ताकि हमको क्या मिल जाए, इसकी जो वैल्यू है मतलब इस टोटल की वैल्यू फाइनाइट मिल जाए, इसलिए हम इसको जीरो बराबर रखेंगे। तो जैसे मैं जीरो रखता हूं तो यहां से इसकी जो वैल्यू होगी वो वन आ जाएगी, क्यों, क्योंकि x पावर में जीरो और वन माइनस एक्स है, तो x की तो वैल्यू में जीरो पुट करने वाला हूँ, तो वन के पावर में कुछ भी हो तो वन ही आएगा, तो उस केस में मेरे को फाइनाइट मिल जाएगा। यदि मैं म्यू प्लस एम माइनस वन को जीरो करता हूँ तो ये फाइनाइट वैल्यू मिलेगा। अब हम चेक करते हैं, फाइनाइट वैल्यू तो मिल गया, फाइनाइट वैल्यू मिलने के बाद हम म्यू टेस्ट पे जाते हैं, तो म्यू का वैल्यू निकालेंगे तो ये होगा वन माइनस एम हो जाएगा, वन माइनस एम होगा। तो वन माइनस एम के बारे में हमको ध्यान देनी होती है। अब ये वन माइनस एम जो होगा वो यदि म्यू का जो मान है वो क्या होता है ग्रेटर देन लेस देन वन होता है, तो उस केस में ये क्या बनती है आपको कन्वर्जेंट मिलेगा, और ग्रेटर देन वन होता है तो डाइवर्जेंट मिलेगा, दो ही केस होती है। तो हम क्या करेंगे, पहला केस लेके चलते हैं कि यदि म्यू इज लेस देन वन, सो म्यू की वैल्यू वन माइनस एम लिखेंगे, लेस देन वन लिखूंगा। फिर यहां से देखिए ये वन को मैं इधर ट्रांसफर कर सकता हूँ, एम को उधर ट्रांसफर करूंगा, तो m इधर ट्रांसफर होगा पॉजिटिव हो जाएगा, 1 इधर ट्रांसफर होगा नेगेटिव होगा, तो ये 0 होगा लेस देन m होगा, ठीक है। अब m की वैल्यू को ध्यान देंगे तो m की वैल्यू जो है वो m का मान 1 से क्या है छोटा है, मतलब यहाँ पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ ये 1 से छोटा है करके, ठीक है। तो m की मान जो है 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो उस केस में ये जो फंक्शन है मतलब इंटीग्रल जो है वो क्या होगा कन्वर्जेंट होगा, आई जो होगा वो क्या होगा कन्वर्जेंट होगा, अभिसारी होगा, ठीक है। तो ये मिल जाएगा m लेस देन 0 लेस देन m लेस देन 1 पे, मतलब m पे डिपेंडेंट नहीं आया, कब, जब हम x इक्वल्स टू 0 पे चेक किया तब, ठीक है। अब यदि क्या होता है म्यू का जो मान है वो ग्रेटर देन आर इक्वल 1 होता तो क्या होगा, म्यू का मान ग्रेटर देन आर इक्वल 1 होता तो उस केस में म्यू टेस्टर से अब ये क्या होता है अपसारी हो जाएगा, आई का मान क्या होता है अपसारी होता है, ठीक है, म्यू टेस्टर हम पढ़े हैं उसमें, तो म्यू टेस्टर में ये अपसारी बन जाएगा। तो उस केस में म्यू की वैल्यू पुट करिए तो 1 माइनस एम ग्रेटर देन आर इक्वल 1 लिखोगे, तो 1 को इधर ट्रांसफर करो आप तो 1 माइनस 1 लिखेगा लिखोगे और ये वैल्यू जो होगा m इधर ट्रांसफर होगा, फिर आप क्या करेंगे ये जो है 0 बन जाएगा ग्रेटर देन आर इक्वल m हो जाएगा। तो m की वैल्यू का मान 0 से छोटा होने से, 0 से छोटा होने से जो कि हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि आप चाहो तो m इज लेस देन 1 कर रहे हो और 0 से यदि बड़ा होता है तो कन्वर्जन और 1 के 1 से छोटा होता है तो भी कन्वर्जन, लेकिन 0 से छोटा हो जाए मतलब 0 यहां बड़ा हो गया तो m इज लेस देन 0, m इज लेस देन 0 तो उस केस में क्या बनेगा कन्वर्जेंट ना होके डाइवर्जेंट बन जाएगा, ठीक है, कि m का मान लेस देन आर इक्वल 0 पे ये क्या बनेगा, जैसे कि डाइवर्जेंट है म्यू ग्रेटर देन आर इक्वल 1 पे डाइवर्जेंट है, तो वैसे ही m लेस देन आर इक्वल 0 पर क्या हो जाएगा हमारा जो इंटीग्रल होगा वो क्या बनेगा डाइवर्जेंट हो जाएगा या अपसारी बन जाएगा, ठीक है। तो इसको बस वैल्यू पुट करनी होती है, वैल्यू को आपको ट्रांसफर करना है कि m 1 को आप इधर ट्रांसफर करेंगे, m को इधर ट्रांसफर करेंगे, जो माइनस वाला है वो प्लस हो गया और प्लस वाला जो है माइनस हो गया, फिर ये 0 बन गया और 0 ये साइन तो वही रहेगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू m,
अब ये m छोटा हो जा रहा है जिसकी ओर मुंह खुला हो बड़ा होता है, तो इसलिए मतलब जीरो जो है बड़ा हो जाएगा m से। तो यहां से पता चल रहा है कि m का मान जीरो से छोटा हो जाने से है ना वो क्या बन जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये डाइवर्जेंट है। अब हमको ये समझ में आ गया कि x इज इक्वल टू जीरो पे हमने तो डाइवर्जेंट चेक कर लिया, कन्वर्जेंट भी चेक कर लिया कि x का मान m से छोटा हो और जीरो के जीरो और वन के बीच में हो तो कन्वर्जेंट, जीरो से छोटा हो तो डाइवर्जेंट। तो इतना तो समझ में आया। अब हम बात करते हैं अगला केस। अगला केस क्या होगा, उसमें हम लिखेंगे n इज इक्वल टू, ये तो सेम रहेगा, इधर आपका जो है वो अप्लाई होगा, चेंज होगा ये सब। ठीक है, तो ये क्या चेंज होने वाला है उस पर ध्यान देना कि x इज इक्वल टू वन पर, x इज इक्वल टू वन पर हम चेक करने वाले हैं कन्वर्जेंट है या नहीं, ये चेक करेंगे। तो x इज इक्वल टू जब वन पे चेक करेंगे तो ये फॉर्म आपको मिलेगा सेम तरीके से। अब ये जो है वन यहाँ पे हम अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि जीरो लेस देन ए लेस देन वन ऐसा है समझो। ठीक है, तो वन पे तो हम यहाँ पे यहाँ पुट कर ही नहीं सकते, तो यहाँ पे ये अपने आप में कन्वर्जेंट है, हमको चेक करनी है इसके बारे में। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, म्यू टेस्ट अप्लाई करेंगे। हमारा एफ ऑफ एक्स कौन हो जाएगा, ये पूरा फंक्शन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे म्यू टेस्ट अप्लाई करेंगे तो एक्स टेंस टू लिखेंगे वन, है ना। तो वन को ऐसे लिखते हैं वन नेगेटिव लिखते हैं क्योंकि अपर लिमिट है, इसलिए वन नेगेटिव लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे एक्स पावर में म्यू, तो एक्स पावर में म्यू ना लिख के हम लिखते हैं वन माइनस एक्स पावर में म्यू लिखते हैं, जो बी माइनस एक्स लिखते हैं तो बी माइनस एक्स जगह में है वन माइनस एक्स, क्योंकि वन ही क्या है आपका अनडिफाइंड वैल्यू है। और उसके बाद एफ ऑफ एक्स लिखोगे तो ये एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को इसको लिखना है। तो आप लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू वन नेगेटिव वन माइनस एक्स टू द पावर में म्यू, और यहाँ पे आप लिखेंगे एक्स पावर में एम माइनस वन, फिर यहाँ होगा ऐसा। ठीक है, अब ध्यान देंगे ये दोनों सेम सेम है तो इसके पावर जो है जुड़ जाएंगे, तो जुड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो लिमिट एक्स टेंस टू वन नेगेटिव, फिर आप लिख सकते हैं वन माइनस एक्स टू द पावर में म्यू प्लस एन माइनस वन, फिर एक्स टू द पावर में एम माइनस वन, और ये dx नहीं रहेगा, इंटीग्रेशन हम नहीं कर रहे हैं अभी, तो ये ऐसा मिलेगा। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, लिमिट को पुट करने वाले हैं। ठीक है, सपोज आप इस लिमिट को पुट करते हैं तो h में कन्वर्ट करेंगे, पहले तो x टेंस टू जीरो करोगे तो h टेंस टू जीरो करोगे तो वन माइनस एक्स करेंगे और म्यू प्लस एन माइनस वन, और यहाँ पे तो आपका वन माइनस एच होगा एम माइनस वन होगा। अब देखिए डायरेक्ट यहाँ वैल्यू तो पुट नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यदि मैं एच की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ तो ये अपने आप में क्या बन जाएगा, सीधा एच टेंस टू जीरो रखने से वन आ जाएगा, इसकी वैल्यू तो वन मिल रही है, लेकिन इसकी वैल्यू वन नहीं मिलेगी क्योंकि वन माइनस वन दैट इज जीरो हो जाएगा, एच बस बचा रहेगा। तो h बस बचा रहेगा, तो h की वैल्यू की वजह से यहाँ पे मैं वैल्यू नहीं पुट कर पा रहा, क्योंकि यदि ये पावर नेगेटिव होती है तो ये इनफाइनाइट बन सकता है, मतलब नीचे आएगा वन के अपॉन में, तो h टेंस टू जीरो रखूंगा तो इनफाइनाइट हो सकती है, और यदि ये क्या होती है पावर पॉजिटिव पावर होती है तो ये जीरो बन सकती है। तो यहाँ पे तो वन आएगा, ठीक है कोई बात नहीं वन आ रहा है हर केस में, लेकिन इस पे क्या होगा, तो इस पे आपका जो है वो चेंज होने वाला है। तो ये चेंज होने वाला है मतलब म्यू हम यहाँ से निकालेंगे, तो म्यू की वैल्यू जो होगी वो हम लिखेंगे एन माइनस वन पे, यहाँ पे यदि मैं जीरो पुट कर देता हूँ तो ये जो लिमिट होगी वो वन हो जाएगी, ये वन हो जाएगी, और एच की वैल्यू आप पुट करेंगे यहाँ पे जीरो तो भी ये वन हो जाएगी। तो उस केस में, इस केस में आपको क्या मिलेगा, इसकी जो मान होगी वन हो जाएगी इफ म्यू प्लस एन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो आप रखते हो तो। ठीक है, यदि ऐसा रखते हो तो क्या बन जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब मतलब आपकी ये वैल्यू फाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, अब फाइनाइट वैल्यू होगी तो म्यू टेस्ट अप्लाई करेंगे, म्यू टेस्ट में क्या होगा, तो म्यू की वैल्यू सेम तरीके से वन माइनस एन लिखोगे, फिर आप क्या करेंगे कि म्यू लेस देन वन होने से ये क्या होती है, इंटीग्रल जो होती है वो कन्वर्जेंट होती है, मतलब इस इंटीग्रल की बात हो रहा है, ये कन्वर्जेंट हो गया, ये तो अपने आप में था ही, तो ये कन्वर्जेंट और ये कन्वर्जेंट, तो टोटल क्या बन जाएगा, होल इंटीग्रल कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो इसलिए आई कन्वर्जेंट होने के लिए
म्यू लेस देन वन अप्लाई किए और यहाँ पे वैल्यू पुट किया तो वन माइनस एन लेस देन वन कन्वर्जेंट हो जाएगा। एन को इधर ट्रांसफर करेंगे तो वन माइनस एन यहाँ पे एन आएगा, ये वैल्यू जीरो होगा, लेस देन एन आएगा, एन की वैल्यू जो है वो वन से छोटा है तो यहाँ पे ये साइन जो है एक बार और आएगा। तो इस केस में जो होगा वो हमारा इंटीग्रल जो होगा कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। और वैसे ही यदि म्यू ग्रेटर देन वन करते हैं, म्यू ग्रेटर देन आर इक्वल वन करते हो तो सेम केसेस बनेंगे और वो जो होगा वैल्यू जो है चेंज मिलता हुआ दिखाई देगा। जैसे कि आप यदि क्या करते हैं म्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन करते हैं, म्यू ग्रेटर देन आर इक्वल वन करते हैं तो म्यू का जो मान होगा वो होगा वन माइनस एन ग्रेटर देन वन, सो वन माइनस वन ग्रेटर देन आर इक्वल एन, ये एन इधर ट्रांसफर वन इधर ट्रांसफर, तो जीरो ग्रेटर देन एन, सो एन लेस देन आर इक्वल जीरो पे ये डाइवर्जेंट होता है तो उस केस में भी ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो इन जनरल हमने क्या देखा कि यहाँ पे ये जो गामा फंक्शन है, ये गामा बीटा फंक्शन जो है वो एम के जीरो और वन के बीच में होने से कन्वर्जेंट आ रहा है और एन के जीरो और वन के बीच होने से कन्वर्जेंट आ रहा है, लेकिन एम लेस देन आर इक्वल जीरो पे और एन लेस देन आर इक्वल टू जीरो पे वो क्या हो जा रहा है डाइवर्जेंट हो जा रहा है। तो शॉर्टकट में यदि लिखा जाए तो जीरो लेस देन एम लेस देन वन और जीरो लेस देन एम लेस देन वन, इन दोनों ही केस में ये कन्वर्जेंट है और एम का जो मान है यदि वो जीरो से छोटा है यहाँ पे बड़ा है, कुछ इस तरीके से लिखेंगे एन एम लेस देन जीरो और एन लेस देन आर इक्वल टू जीरो, इन दो केस में ये क्या होगा डाइवर्जेंट होगा। तो ये इस लाइन को अच्छे से याद रखिए अंतिम में, तो आपको पूरा ये चीजें जीरो टू पाई बाई टू और लॉग साइन एक्स डी एक्स ये इंटीग्रल में दिया गया है। अब इसको सिद्ध करनी है, ये जो होगा वो क्या बनेगा अभिसारी होगा, ये सिद्ध करनी कन्वर्जेंट है ये प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं इसकी जो लोअर लिमिट अपर लिमिट को कि अनबॉन्डेड है कि बॉन्डेड है, ये चेक करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये अनबॉन्डेड है या नहीं, तो एक्स टेंस टू जीरो पे मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लॉग ऑफ साइन एक्स, ये हमारा एफ ऑफ एक्स है। यदि मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो लॉग जीरो मिलेगा और लॉग जीरो पे वो अनडिफाइंड होता है ना, मतलब सुपरिभाषित नहीं है, अभी अनडिफाइंड है, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा अनबाउंडेड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि मैं पाई बाई टू पुट करता हूँ तो लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू रख देता हूँ तो मेरे को डिफाइन मिलेगा, क्यों, क्योंकि फाइनाइट वैल्यू मिलेगा, लॉग वन मिलेगा, साइन पाई बाई टू का मान वन होता है तो लॉग वन का मान जीरो मिला, ठीक है। तो वन पे तो डिफाइन है, मतलब पाई बाई टू पे तो डिफाइन है और जीरो पे डिफाइन नहीं है, तो हमको केवल एक्स इज इक्वल टू जीरो पर ही म्यू टेस्ट अप्लाई करके सॉल्व करना है। तो हम लोग के क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अनडिफाइन हुआ तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पर हमारा जो भी हमारा एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स जो है वो क्या है अनबॉन्डेड है, मतलब अपरिवर्त है, ऐसा लिखो अपरिवर्त है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे x इज इक्वल टू जीरो पर हमको चेक करनी है, ठीक है। हम चेक करने वाले हैं कि ये कहां पे कन्वर्जेंट होगा और कन्वर्जेंट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू जीरो, क्योंकि यहाँ पे x का पावर वगैरह नहीं है तो इसलिए हम सीधा म्यू की वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे कि यहाँ कहाँ पे होगा ये सोचेंगे, है ना। तो x टू द पावर म्यू लिखेंगे यहाँ पे और लिखेंगे f ऑफ x, तो f ऑफ x जगह में है log sin x और dx, ये हमारा dx तो हट जाएगा क्योंकि इंटीग्रल हम नहीं ले रहे हैं, तो ये होगा हमारा क्या म्यू टेस्ट। तो x टू द पावर म्यू वाला जो होगा वो नीचे आ जाएगा, x टू द पावर माइनस म्यू हो जाएगा और यहाँ पे हम लिखेंगे x टेंस टू जीरो, ऐसा लेके चलेंगे। अब थोड़ा ध्यान देंगे म्यू टेस्ट में इसको हमको प्रूव करनी है कन्वर्जेंट है, तो हमको कन्वर्जेंट प्रूव करने के लिए सबसे पहली बात तो म्यू का जो वैल्यू है वो लेस देन वन लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो हम पहले ही लेके चलते हैं कि म्यू इज लेस देन वन, है ना। अब ये चीज मैं लेके चल रहा हूँ और दूसरी बात कि म्यू की जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं हमेशा पॉजिटिव हम लेके चल रहे हैं, पॉजिटिव इसलिए लेके चल रहे हैं
क्योंकि एक्स की पावर में कुछ पावर रहेगा तब हम उसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो यदि ये पॉजिटिव पावर है मतलब जीरो से बड़ा है तब हम आगे हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो जब पॉजिटिव पावर होगा तो सोचिए एक्स का पावर पॉजिटिव है अभी, जब नीचे लाऊंगा तो नेगेटिव पावर होगा, तो नेगेटिव पावर हो गया। अब जैसे ही मैं एक्स की वैल्यू पुट करता हूँ तो एक्स वैल्यू पुट करने से लॉग जीरो इनफाइनाइट बनेगा और ये वन, जैसे कि ये पॉजिटिव पावर नेगेटिव पावर है तो वन के अपॉन में है, समझो वन के अपॉन में है, तो जैसे ही मैं यहाँ भी वैल्यू पुट करता हूँ जीरो पुट करता हूँ तो वो भी इनफाइनाइट आएगा क्योंकि नेगेटिव पावर में है, है ना। जैसे माइनस वन बाई एक्स टू द पावर माइनस वन होता है तो एक्स टू द पावर माइनस वन में एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करूँ तो वो इनफाइनाइट बनेगा, वैसे ही ये भी इनफाइनाइट बनेगा। तो दोनों ही केस में ये इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट बन रहा है, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँ तो भी इनफाइनाइट, यहाँ वैल्यू पुट करूँ तो भी इनफाइनाइट। ये यहाँ पे इसलिए इनफाइनाइट बन रहा है क्योंकि पॉजिटिव पावर नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव पावर है, नेगेटिव पावर रहता है। तो आप जैसे लिखते ना एक्स पावर माइनस वन तो आप वन बाई एक्स लिखते हो, अब एक्स वैल्यू जीरो पुट करोगे इसमें पुट करो मतलब इसमें है, है ना। तो इसलिए इनफाइनाइट आ जाएगा एक्स वैल्यू जीरो पुट करने से, तो ये भी इनफाइनाइट हो रहा है, ये भी इनफाइनाइट हो रहा है। तो जब भी इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट होता है तो हम एल हॉस्पिटल रूल यूज करते हैं। एल हॉस्पिटल रूल होता क्या है, तो एल हॉस्पिटल रूल ये होता है कि जो हमारे पास जो फंक्शन ऊपर में दिया है उसी फंक्शन का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करिए, इस फंक्शन का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करिए। तो जैसे लॉग का मैं डिफ्रेंसिएशन करूंगा एक्स के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे लिखूंगा कुछ इस तरीके से, और नीचे मैं लिखूंगा एक्स के रेस्पेक्ट में नीचे का भी डिफ्रेंसिएशन करना है तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे। जब हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लॉग का डिफ्रेंसिएशन वन बाई एक्स होता था तो यहाँ एक्स की जगह में साइन एक्स है तो हम यहाँ पे लिखेंगे वन बाई साइन एक्स लिखेंगे, फिर साइन का बच जाएगा क्योंकि डिफरेंशिएशन करते हैं तो अंदर भी यदि जो एक्स फंक्शन ना हो तो वो फंक्शन बच जाता है तो उसका डिफरेंशिएशन होगा कॉस एक्स। नीचे में आपका क्या है एक्स टू द पावर माइनस म्यू है तो इस माइनस म्यू को सामने लाओगे आप तो ये माइनस म्यू सामने आएगा, एक्स के पावर में माइनस म्यू माइनस वन और हो जाएगा, ये वैल्यू जो होगा और घटता है जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो पावर और घट जाएगा। फिर इसके बाद इस पावर को ऊपर ले जाना, ये जो है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स है तो ये कॉट बनेगा और कॉट को नीचे ला लेना तो वन बाई मतलब कॉट को नीचे लाओगे तो टेन बन जाएगा। तो आपकी जो वैल्यू है वो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और आप लिखेंगे माइनस में लिखेंगे वन बाई म्यू और ऊपर जाएगा तो एक्स पावर में म्यू प्लस वन, नीचे आएगा तो टेन एक्स लिखाएगा, जो कॉट बन रहा था उसको हमने नीचे ला लिया। अब फिर वैल्यू रख के चेक करने वाले हैं, देखिए ये म्यू का जो मान है वो पॉजिटिव मान है, म्यू का मान जो है वो पॉजिटिव है तो एक्स का पावर पॉजिटिव है और टेन एक्स जो है वो क्या है टेन सिंपल सा एक्स है, ठीक है टेन एक्स ही है फंक्शन है। जब जैसे ही आप एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, पॉजिटिव पावर है तो जीरो ही रहेगा और ये वाला टेन जीरो रहेगा तो जीरो बाई जीरो फॉर्म आएगा, जीरो बाई जीरो फॉर्म आएगा मतलब जीरो बाई जीरो फॉर्म आया तो हमारा फिर क्या होगा एक म्यूटेशन फिर अप्लाई होगा, मतलब एल हॉस्पिटल रूल फिर अप्लाई होगा। तो जैसे ही हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और माइनस वन बाई म्यू, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर रहे हैं तो पावर जो है मतलब उसका फिर डिफ्रेंसिएशन होगा तो यहाँ पे म्यू प्लस वन सामने आ जाएगा, एक्स पावर में म्यू हो जाएगा, है ना, एक पावर कम हो जाएगा। नीचे में हम बात करें तो नीचे में हमारा टेन का डिफरेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर एक्स, टेन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। अब क्या करना है, अब फिर रख के चेक करनी है एक्स की वैल्यू। अब जैसे ही मैं एक्स की वैल्यू पुट करता हूं तो यहां तो ऊपर जीरो आ रहा है, नीचे में रखता हूं तो सेक जीरो का मान वन आ रहा है तो ऊपर में जीरो और नीचे में वन, ऊपर में जीरो नीचे में वन तो जीरो बाई वन आपको क्या मिल रहा है, जीरो बाई वन वैल्यू मिल रहा है। ये तो फाइनाइट वैल्यू है जो कि मल्टीप्लाई होकर जीरो बन जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या मिला जीरो बाई वन दैट इज यहाँ पे जीरो मिल रहा है, मतलब क्या मिला कुल मिला के फाइनाइट वैल्यू मिल रहा है। अब फाइनाइट वैल्यू तभी मिल रहा है हम पहले ही म्यू का मान जो है
जीरो लेस देन म्यू लेस देन वन लेके चल रहे थे, मतलब ये म्यू पे डिपेंडेंट नहीं था क्योंकि वैल्यू म्यू पे डिपेंडेंट ही नहीं आया है ना, सीधा वैल्यू क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। मतलब ऐसा होने से हमारा जो इंटीग्रल है वो अपने आप में कन्वर्जेंट होगा। तो म्यू जीरो लेस देन म्यू लेस देन वन हमने कोई एक अलग से फंक्शन लेके चला और उसमें हमने सॉल्व किया तो ये पूरा इंटीग्रेशन जो है वो क्या आ गया, कन्वर्जेंट आ गया फाइनाइट वैल्यू आने की वजह से। तो ये पूरा ऑप्शन का ये एन के किस मान पे ये जो होगा वो कन्वर्जेंट होगा और एन के किस मान पे डाइवर्जेंट होगा ये चेक करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एन ग्रेटर देन आर इक्वल वन लेंगे। पहला केस हम ले रहे हैं एन ग्रेटर देन आर इक्वल वन है, तो जैसे ही एन ग्रेटर देन आर इक्वल वन करते हैं तो यहाँ पे पहले हम चेक करेंगे कि ये बॉन्डेड है या नहीं। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू यदि मैं जीरो पुट करता हूँ यहाँ पे और ये पॉजिटिव वैल्यू है तो ये जीरो मिलेगा और ये जो होगा ई टू द पावर वन मिलेगा, मतलब जीरो मिलेगा। तो जैसे ही आप लिमिट पुट करिए एक्स टेंस टू जीरो और एक्स टू द पावर एन माइनस वन ई टू द पावर माइनस एक्स, तो इसकी वैल्यू जीरो बन जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, एक से बड़ा है ना, तो ये वन बन जाएगा। पहले ग्रेटर देन पे चेक कर लो फिर इक्वलिटी पे चेक कर लेंगे। तो जैसे ये ग्रेट आपको मिलेगा जीरो इंटू वन दैट इज जीरो। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे एन इक्वल्स टू वन पे चेक कर लेंगे, मतलब वन रख लेंगे तो यहाँ पे आएगा एक्स टेंस टू जीरो, ये वाला जो है जीरो बन जाएगा और ई टू द पावर माइनस एक्स रहेगा। उस केस से भी आपको फाइनाइट वैल्यू मिलेगा ई के पावर जीरो मतलब वन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी फाइनाइट वैल्यू मिल रहा है और यहाँ भी फाइनाइट वैल्यू मिल रहा है। तो x इज इक्वल टू जीरो पे ये बॉन्डेड है, ये फंक्शन जो है x इज इक्वल टू जीरो पे f ऑफ x जो होगा वो क्या है, बॉन्डेड तो है, ये समझ में आया बॉन्डेड है। दूसरी बात, यदि हम लिखते हैं लिमिट लिखते हैं x टेंस टू इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट भी तो चेक करनी है, तो जब इनफाइनाइट पे चेक करनी है तो यदि हमारे पास x टू द पावर में n माइनस वन है और e टू द पावर माइनस x dx है तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है। सपोज मैं n को क्या रख देता हूँ, n का मान रख देता हूँ सीधा 2 रख देता हूँ। सपोज यदि मैं यहाँ पे n का मान 2 रख देता हूँ तो यदि मैं 2 रखता हूँ तो क्या मिलेगा मेरे को, x का पावर 1 e टू द पावर माइनस x ऐसे मिलेगा। और लिमिट में क्या है, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे तो लिमिट लिखेंगे x टेंस टू इनफाइनाइट ऊपर में x नीचे में e टू द पावर x। जैसे ही आप इनफाइनाइट पुट करेंगे तो इनफाइनाइट अपॉन ई टू द पावर इनफाइनाइट, दोनों ही इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म आया। इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म आने से एल हॉस्पिटल रूल लगाते हो, तो जैसे ही एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, ये वैल्यू मिलेगा वन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और ये भी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ई टू द पावर का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर ही रहेगा, एक्स का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा, तो वन अपॉन ई टू द पावर एक्स। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, जैसे ही आप वैल्यू पुट करते हैं तो e टू द पावर इनफाइनाइट दैट इज 1 बाय इनफाइनाइट और ये वैल्यू बन जाएगा 0। ठीक है, तो ये वैल्यू बना 0, तो यहां से ये भी फाइनाइट हो गया और ये भी फाइनाइट हो गया। तो दोनों ही केस में मतलब इसका जो मान आ रहा है वो क्या मान आ रहा है, ये भी मान जो है वो 0 मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या बना, फाइनाइट बन रहा है और ये भी फाइनाइट, तीनों फाइनाइट बना। तो x इज इक्वल टू जीरो पर और x इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर जो हमारा f ऑफ x है वो क्या है, परिबद्ध है। ठीक है, क्या है भाई, परिबद्ध है। अब दूसरी बात, बॉन्डेड है परिबद्ध है ये तो समझ गए, अब क्या करनी है, देखनी है लिमिट को। तो लिमिट क्या है, जीरो से इनफाइनाइट, मतलब कम से कम एक लिमिट ऐसा है जो इनफाइनाइट है और इनफाइनाइट होने से ये प्रथम प्रकार का विषम समाकल, द्वितीय प्रकार का विषम समाकल ना होके ये क्या बनता है, प्रथम प्रकार का विषम समाकल। अब ये यदि ये प्रथम प्रकार का विषम समाकल है तो इसमें म्यू टेस्ट जो लगता है उसमें म्यू ग्रेटर देन वन पर वो क्या बनता है, कन्वर्जेंट होता है। ठीक है, और म्यू इज लेस देन आर इक्वल वन पे डाइवर्जेंट होता है। तो ये चेक करनी है कि यदि एन की मान को चेंज किया जाए तो उस केस में वो बन सकता है कि क्या होगा वैल्यू। ये दोनों तो बॉन्डेड आ गए हैं, दोनों बॉन्डेड आ रहा है, इसका मतलब n ग्रेटर देन आर इक्वल वन पे दोनों पे ही ये क्या है, कन्वर्जेंट है। दोनों बॉन्डेड भी है और n ग्रेटर देन आर इक्वल वन पे कन्वर्जेंट है। क्यों कन्वर्जेंट है, क्योंकि आप म्यू का मान चाहे कुछ भी लें आपको ये वैल्यू जो मिलेगा वो फाइनाइट मिलेगा।
ठीक है, तो ये फाइनाइट मिलेगा और म्यू का मान यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि म्यू का मान आप कुछ भी रख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो दूसरे जब केस आएगा एन की मान जब हम कुछ अलग रखेंगे तब चेंजेस होगा, है ना। अब वो क्या चेंजेस होगा, जैसे कि देखिए यहाँ पे आप म्यू टेस्ट अप्लाई करेंगे तो आपको हर बार जैसे आप म्यू टेस्ट अप्लाई करते हैं एक्स टू द पावर एन माइनस वन ई टू द पावर माइनस एक्स, इसकी भी वैल्यू जीरो ही आएगा, फाइनाइट आएगा। अब फाइनाइट आ रहा है इसका मतलब ये आपका म्यू टेस्ट म्यू ग्रेटर देन वन पे, आप जानते हैं म्यू ग्रेटर देन वन पे ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो इस केस में ये अपने आप में कन्वर्जेंट रहेगा, ठीक है। आपको चेक करनी थी एन के किस मान पे कन्वर्जेंट है, तो एन के किस मान पे कन्वर्जेंट है, एन ग्रेटर देन वन पे कन्वर्जेंट है, एन इक्वल टू वन पे कन्वर्जेंट है। तो इतना तो समझ में आ गया। अब दूसरी बात जो होगा उसमें हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे कि n का जब हम वैल्यू 0 और 1 के बीच में रखते हैं तब म्यू टेस्ट कैसे अप्लाई करेंगे उस पे आपको ज्यादा ध्यान देनी है। n की वैल्यू 0 और 1 के बीच में रखेंगे तब क्या होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। n की वैल्यू 0 और 1 के बीच में रखते हैं तो लिख देते हैं n इज लेस देन 0 इज लेस देन n और n इज लेस देन 1। ऐसा करने से ध्यान देंगे कि ये जो होगा वो नेगेटिव पावर हो जाएगा और नेगेटिव पावर होगा तो ये एक्स इज इक्वल टू जीरो पे ये अनबाउंडेड बनेगा। मतलब आप बोलेंगे कि एक्स इज इक्वल टू जीरो पर हमारा जो एफ ऑफ एक्स जो है वो अपरिबद्ध फलन है या अनबाउंडेड फंक्शन है, क्योंकि इनफाइनाइट अपॉन में आएगा और अपॉन में आने से ई आप लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो लिखेंगे ई टू द पावर माइनस एक्स और इसको लिखेंगे वन माइनस एन, तो ई पावर में जीरो और अपॉन में ये पॉजिटिव पावर दैट इज जीरो बन जाएगा, है ना, पॉजिटिव पावर मतलब जीरो हो जाएगा पूरा और ये बन जाएगा टोटल इनफाइनाइट। तो अनबाउंडेड होगा कौन, ये फंक्शन जो होगा। तो कहां पे अनबाउंडेड हो रहा है, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे अनबाउंडेड हो रहा है ना, लेकिन इनफाइनाइट पे बाउंडेड ही है वो, तो इनफाइनाइट पे बाउंडेड है और बाकी जगह वो अनबाउंडेड है, मतलब ये ऐसा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको दो भागों में तोड़ेंगे कि जीरो से लेके ए तक का जहां पे वो अनबाउंडेड हो रहा है उसको अलग रखेंगे और जहां पे वो बाउंडेड है उसको हम अलग रखेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लेके चलेंगे, जहां पे वो बाउंडेड होगा वो हमेशा क्या बन जाएगा, वो कन्वर्जेंट हो जाएगा, मतलब ये कन्वर्जेंट है क्योंकि यहाँ पे मैं जीरो तो रख नहीं सकता तो ये कन्वर्जेंट है, लेकिन ये इसके बारे में अभी हमको नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, इसके बारे में जानने के लिए म्यू टेस्ट अप्लाई करेंगे एक्स इज इक्वल टू जीरो पर। तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे जब हम अप्लाई करेंगे तो ये जो इंटीग्रल है ये इंटीग्रल जीरो से ए, मतलब एक्स इज इक्वल टू जीरो भी फाइनाइट है और एक्स इज इक्वल टू ए भी फाइनाइट है, तो लिमिट क्या हो गई, फाइनाइट हो गई। और फाइनाइट होने से ये द्वितीय प्रकार का विषम समाकल हो गया, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड। तो ये सेकेंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल बना, तो इसमें जब मैं म्यू अप्लाई करूंगा म्यू टेस्टर तो म्यू इज लेस देन वन पे ये कन्वर्जन बनेगा, है ना। जब म्यू टेस्ट अप्लाई करते हैं सेकेंड काइंड वाले के लिए तो लेस देन पे वो कन्वर्जेंट होगा, तो हम लिमिट पुट करेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स पावर में म्यू एक्स पावर में एन माइनस वन ई टू द पावर माइनस एक्स और इसको सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स टू द पावर म्यू प्लस एन माइनस वन ई टू द पावर माइनस एक्स। इसको हम जीरो के बराबर रखेंगे ताकि म्यू का मान निकालते बन जाए और ये वैल्यू जो होगा जैसे ही आप जीरो पुट करते हो तो आपका वैल्यू वन मिलेगा क्योंकि ई टू द पावर जीरो मतलब वन हो जाएगा, है ना, ई टू द पावर जीरो मतलब वन और ये वैल्यू तो मैंने जीरो रखा है इसको, ठीक। तो ये वैल्यू जीरो रखने से म्यू का वैल्यू मिलेगा, तो म्यू इज इक्वल टू वन माइनस एन मिला। वन माइनस एन मिलने से ध्यान देंगे तो वन माइनस एन मिलने से म्यू का मान यदि एक से बड़ा होता है तो हम बोलते हैं एक से छोटा होता है तो बोलते हैं ये कन्वर्जेंट होगा क्योंकि ये फाइनाइट लिमिट पे है, तो ये सेकेंड काइंड का होगा तो कन्वर्जेंट होगा। तो वन माइनस एन लेस देन वन लिखोगे, एन को उधर ट्रांसफर करेंगे, वन माइनस एन करोगे यहाँ से जीरो होगा लेस देन एन होगा। अब चूंकि क्वेश्चन में हमने लिख दिया, देख लीजिए जीरो इज लेस देन एन लेस देन वन, तो यहाँ पे ये क्या है, कन्वर्जेंट तो है, ठीक है। तो इस जगह पे क्या मिलेगा, जो हमारा इंटीग्रेशन है वो कन्वर्जेंट है, कौन सी पोजिशन पे, एन के जीरो और वन होने से ये कन्वर्जेंट है। दूसरी बात,
दूसरी केस ये है कि डाइवर्जेंट कब होता है, तो डाइवर्जेंट होता है n ग्रेटर देन आर इक्वल 1 पे, तो इस वैल्यू को आप पुट करेंगे तो 1 माइनस n रखोगे ग्रेटर देन आर इक्वल 1 लिखोगे तो n की वैल्यू आपको मिल जाएगी, तो यहाँ पे 1 माइनस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल n लिखोगे तो ये 0 होगा, 0 इज ग्रेटर देन n, तो यहाँ पे n इज लेस देन आर इक्वल 0, तो इस जगह ये क्या बनेगा, डाइवर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट होगा, तो यहाँ भी हम बोल सकते हैं ये क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। तो बुक में इस चीज को तीसरा कंडीशन बनाया है अलग से, और आपको कोई तीसरा कंडीशन बनाने की जरूरत नहीं होगा जब आप इसको बना लेंगे, मतलब यहाँ पे म्यू टेस्ट अप्लाई कर देंगे तो ठीक है। तो ये दोनों केस से आपको समझ में आ गया कि एन की वैल्यू यदि 1 से बड़ी होती है या 1 के बराबर होती है तब भी कन्वर्जेंट आएगा, दूसरी बात एन की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है तो भी कन्वर्जेंट होगा, लेकिन n की वैल्यू 0 से छोटी होती है या 0 के बराबर होती है तब जाके ये फंक्शन जो होगा।